ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर बलरामपुर से है, जहां सीएम भूपेश बघेल का विधानसभा दौरा प्रारंभ हो चुका है। उनका पहला दौरा बलरामपुर जिले के सामरी विधानसभा में संपन्न हुआ। आपको बता दें, कुसमी विकासखंड से उनका दौरा प्रारंभ हुआ और राजपुर में संपन्न हुआ। शंकरगढ़ में चौपाल के माध्यम से वे जनता से रूबरू हुए और शासन द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी भी दी। चौपाल के दौरान गांव वालों ने अपनी अपनी समस्याएं सीएम को सुनाई, जिसका निराकरण जल्द से जल्द करने का उन्होंने आदेश संबंधित अधिकारियों को दिया। तय हो ताकि जो जो गौ पालक है उसको भी लाभ मिले, उसकी जो दवाइयाँ बनेगी तो स्व सहायता समूह को उसका हिस्सा कितना जाएगा, गौधान समिति कितना जाएगा, तो वो अध्ययन कर रहे हैं आर्थिक दृष्टिकोण से भी, और उसको एकत्रित करने की व्यवस्था और उसके फिर वितरण करना है उसके किस प्रकार से व्यवस्था, वो सारी चीज़ों के अध्ययन किया जा रहा है। खबर जगदलपुर से है, जहां बस्तर पुलिस द्वारा आपराधिक तत्वों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है और टेलीफोनिक फ्रॉड के मामले में बस्तर पुलिस के द्वारा विशेष रुचि लेकर काम किया जा रहा है। मोबाइल फोन के माध्यम से ऑनलाइन ठगी करने वाले शादीगृहों पर कार्रवाई करने में बस्तर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। उक्त टीम के द्वारा गाजियाबाद में संदेह के आधार पर एक व्यक्ति को घेराबंदी कर पकड़ा गया। टेलीफोनिक फ्रॉड के मामले में बस्तर पुलिस विशेष रुचि लेकर ये काम कर रही है। उक्त टीम के द्वारा मामले के जो संदेही हैं संतोष कुमार, उसे घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिससे पूछताछ करने पर इसके द्वारा जो है टेलीफोन के माध्यम से कॉल करके जो है ऑनलाइन ठगी करना स्वीकार किया गया और मामले का मुख्य आरोपी गौरव शाश्वत को होना बताया गया। और इसके पास से उपलब्ध जानकारी के आधार पर और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर मामले का जो मुख्य आरोपी है गौरव शाश्वत, उसे भी जो है गाजियाबाद में घेराबंदी कर पकड़ा गया। दोनों से पूछताछ करने पर इनके द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा हैप्पी टू हॉलीडेज नामक फर्जी वेबसाइट चलाकर जो है लोगों को हॉलीडेज पैकेज के नाम पर जो है ऑनलाइन तरीके से जो है फ्रॉड किया जा रहा है और अपने खाते में जो है पैसा डलवाया जाता है। खबर बिलासपुर से है, जहां सांसद अरुण साव की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार के संचालित योजनाओं की प्रगति, क्रियान्वयन और स्थिति को लेकर विभाग और योजनावार समीक्षा बैठक की गई। वहीं बैठक में 42 एजेंडों पर चर्चा हुई। समीक्षा के दौरान कई केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में मिल रही शिकायतों, अव्यवस्थाओं और लेट लतीफी को लेकर सांसद ने कड़ी नाराजगी जताई। दिशा कमेटी की नियमित बैठक आज आहूत हुई। बैठक में केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। इस बीच जो समस्याओं के क्रियान्वयन में लोगों की जो दिक्कतें आ रही थी, उस पर विस्तार से बातचीत हुई। मनरेगा के काम को लेकर, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर, जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन को लेकर विस्तार से बातचीत हुई। प्रधानमंत्री आवास योजना के काम को गति प्रदान करने हेतु निर्देशित किया गया। जल जीवन मिशन के काम को व्यवस्थित करने और लोगों को पेयजल के लिए आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि समय पर पेयजल की समस्या ना हो, इसकी चिंता करें और लोगों को पेयजल उपलब्ध कराएं। खबर जगदलपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान भले ही खुलकर सामने ना आ रहा हो, लेकिन जुबानी जंग में इसकी झलक साफ तौर पर नजर आने लगी है। भूपेश बघेल पूरे प्रदेश के दौरे पर निकले हैं, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान चल रही है। आपको बता दें, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव बस्तर दौरे पर पहुंचे, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री के इस दौरे से कलेक्टर एसपी का कन्नी काटना प्रदेश के सियासी समीकरण की ओर इशारा कर रहा है। इस अंचल में, विशेष करके बस्तर अंचल के कुछ क्षेत्रों में कल भी समीक्षा बैठक जब दंतेवाड़ा मिली तो वहाँ ये जानकारी मिली कि बीजापुर के 30 पंचायतों में काम करने में कठिनाई है। तो एक ये सभी की जानकारी में ये स्थिति है, कोई ऐसी छुपी हुई स्थिति नहीं है कि कुछ क्षेत्रों में शासन को भी काम करने में कठिनाई है। अवैध रूप से संचालित हो रहे चखना सेंटर की खबर वैसे तो कई बार दिखाई जा चुकी, जिसकी जानकारी भी
आबकारी विभाग के उच्च अधिकारियों को दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी बिल्हा क्षेत्र में नए नए चखना सेंटर खुल रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार आबकारी विभाग द्वारा सभी चखना सेंटर से अवैध रूप से पैसा वसूली भी की जाती है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति की जाती, जिसकी बार बार खबर लगने के बाद भी आबकारी विभाग जो है नए नए जगह पर चखना सेंटर खुलवा रहा है। अभी हाल ही में बिल्हा क्षेत्र के दगौरी शराब दुकान के कुछ ही दूरी पर 3 नए चखना सेंटर खुल गए हैं और चौथा खुलवाने की तैयारी शुरू हो गई। छत्तीसगढ़ प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का आगमन दंतेवाड़ा में हुआ, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोशीला स्वागत किया। हेलीपैड पर स्वागत के बाद मंदिर पहुंचे, यहां पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की उन्होंने प्रार्थना की। दंतेवाड़ा में जिला अस्पताल का निरीक्षण कर अव्यवस्था है उसको देख कर वो नाराज हुए और तुरंत अधिकारियों को फटकार लगाई। कोई ठोस कदम उठाया गया, क्या कारण है? मेरे ख्याल से राय नहीं बन पाई थी, मीडिया के साथियों के बीच में भी ये भेजा गया था, और एक तो फॉर्मेट है, कई व्यवस्थाएं हैं उसमें अलग से। मुझे भी लगता है कि ना केवल इसलिए कि घोषणा पत्र का हिस्सा था, तो घोषणा पत्र बनाते समय 3 वर्गों से ये मांग आई थी, प्रबल मांग आई थी कि हमारे लिए सुरक्षा का एक कानून होना चाहिए। एक पत्रकार थे, एक डॉक्टर्स थे और एक वकील थे। मुझे आश्चर्य हुआ कि वकीलों की तरफ से भी ये बात है, लेकिन ये 3